दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स चाहिए और बहुत सारे लोगों को ऑफिस टाइप का जॉब्स चाहिए कोलकाता लोकेशंस में। वेल, कोलकाता में अगर आप 8 घंटे ड्यूटी के हाई सैलरी पैकेज अर्न करना चाहते हो, जैसे कि 18,000 रुपये से भी ज़्यादा इन हैंड सैलरी, तो फिर आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। मेरे पास में जितने भी सारे रिक्वायरमेंट आते हैं ना, चाहे कोलकाता लोकेशन का हो, चाहे इस चैनल पे जहाँ का भी हो, वो आईमेक्स सिक्योरिटी एंड अलायंस सर्विसेज प्लेसमेंट एजेंसी के तरफ से आते हैं। और याद ये बात रखिएगा कि इस चैनल पे जितने भी सारे जॉब्स आते हैं, 100% ज्वाइनिंग की गारंटी होती है और जॉब्स की गारंटी होती है। वेल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होने वाला है। बिकॉज़ इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें सैलरी बहुत बेहतरीन है। सैलरी अच्छे हैं तो ज़रूर है कि इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा आपको मिलेगा। सो मेरे पास में अभी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखिए, वैसे तो सभी कैंडिडेट रिक्वायर्ड किए गए हैं, लेकिन दरअसल बात यहाँ पे ये है कि फीमेल को इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मेल कैंडिडेट को नहीं लिया जाता, लेकिन फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। इसी बेसिस पे फीमेल का यहाँ पे ज़्यादा नीड होता है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से समझिए जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन समझने के बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मेरे पास में जो रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट कार्ड सेल्स इन वन ऑफ बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। देखो, आप लोग ये सोचते होंगे कि क्रेडिट कार्ड सेल्स करना ये बहुत ही डिफरेंट वाला काम है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, बात कुछ कुछ समझना चाहिए। अब यहाँ पे लोग तो समझते हैं कि बहुत टफ काम है, बहुत हार्ड काम है, लेकिन आप समझिए मेरी बातों को। आप जब काम करते हो तो सारा चीज़ें आसान लगने लगती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, आपके बोलने का तरीका अच्छा होता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये नहीं कि ये सब्जी है, सरा हुआ सब्जी है, आपको बाज़ार में जाके बेचना है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, तो क्रेडिट कार्ड को सेल्स करना ये कोई बुराई नहीं है। इंटरव्यू का लोकेशन है पार्क स्ट्रीट कोलकाता में है। फीमेल कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी गई है, वैसे मेल भी चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। और यहाँ पे लोकेशन इसका है बारा नगर, डुल्लोप, दक्षिणेश्वर में 5 चाहिए, दमदम, नगेर बाजार में 5 चाहिए, बेलघरिया टू बाराकपुर में 10 चाहिए, हावड़ा में 8 चाहिए, तरानीपुर में 2 चाहिए, बनगांव में 5 चाहिए, नईहट्टी टू कल्याणी में 8 चाहिए। SBI क्रेडिट कार्ड सेल्स का पोस्ट है यहाँ पे। डेजिग्नेशन में है ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ब्रांच रिलेटेड जॉब रहेगा। एक्सपीरियंस में है यहाँ पे सेल्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी है तो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स वाली बात यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे टारगेट बेसिस सैलरी नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता ये है कि टारगेट आपको दे दिया जाता है कि ये टारगेट अचीवमेंट करो तब आपको सैलरी मिलेगा, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब बात करें यहाँ पे अप्लाई, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे हायर किए गए हैं। सैलरी का है 18,000 अप टू इन हैंड प्लस PF प्लस ESIC प्लस मेडिक्लेम प्लस इंसेंटिव। फिक्स सैलरी है, टारगेट बेसिस नहीं है। क्वालिफिकेशन मिनिमम इसमें हायर सेकेंडरी है, एज 18 से 35 साल है। डॉक्यूमेंट्स में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, HS मार्कशीट, बैंक डॉक्यूमेंट्स, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। फ़ोन नंबर मस्ट बी लिंक विथ आधार, डिजी लॉकर, आधार कार्ड वेरीफाई फोटो। एंड मेहनाज मैडम को आप लोग टॉकिंग कर सकते हो। देखो, प्रोजेक्ट तो मेरे पास में बहुत सारे आते हैं, बट यहाँ पे अभी जो प्रोजेक्ट है ये जो है ऑफिस टाइप, ऑफिस मोड का जॉब, इसे समझ सकते हो। वेल, मेहनाज मैडम का नंबर दिया हूँ। अब जितने भी सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आते हैं वो पेड आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज और फीस लगता है। लेकिन आप लोग ये ज़रूर समझिएगा कि जॉब्स जितने भी आते हैं वो जेन्युइन रहते हैं, बाकी के प्लेसमेंट एजेंसीज की तरह नहीं कि बस फेंक दिए, पैसे ले लिए, काम बन गया, उसका बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता। आप लोग एजेंसी में विजिट करो, उसके बाद में प्रोसेस फॉलो करो। थैंक यू सो मच।